स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीआर टी एक्साम्पलर बुक एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एज बेस्ड क्वेश्चन है ये टू ईयर्स अगो सलीम बॉस थ्राइज एज ओल्ड एज हिज डॉटर

टू इयर्स अगो तो पीछे जाएंगे जब लेटर लिखा है तो हम यहाँ पे आगे जाएंगे तो फर्स्ट बात ये हो गई और सेकंड थिंग आपको यहाँ पे ये यह याद रखनी कि हमेशा जो छोटा होगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपको क्वेश्चन में क्या कहा सलीम अपनी डॉटर से ईयर बड़ा, तो बड़ा है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई थ्री किसको करेंगे उसकी डॉटर को करेंगे ठीक है जो छोटा होता है क्योंकि सलीम पहले से ही थर्टी ईयर का है डॉटर उसकी फिफ्टीन ईयर की है तो हमें इक्वेशन के बीच में इक्वल का रिलेशन बनाना होता है तो थर्टी इक्वल टू आपको फिफ्टीन करना है तो ये बड़ा है लेकिन हमें मल्टीप्लाई हमेशा डॉटर को करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए तो ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी प्रेजेंट एज को लेट करना है और हमेशा छोटे वाले को मल्टीप्लाई करना है जो भी उनके रिलेशन है ये टू टाइम्स बड़ा है थ्री टाइम्स बड़ा है मुंह से छह साल बड़ा है तो जो भी होगा वो बड़े वाले के साथ कुछ नहीं करना उसकी डॉटर सन जो भी जिसकी एज यहाँ पे छोटा है उसके साथ में आपको वो प्रोडक्ट कर लेना है या उसको एड कर लेना है तो लेट सलीम से तो ले लिया, जो हमने यहाँ पे लेट किया वो यहाँ पे क्या है उनकी प्रेजेंटेज दोनों की ठीक है मतलब आज के दिन में वो सलीम एक्स इस का है और डॉटर उसकी वाई की है नाउ फर्स्ट कंडीशन हमें दी हुई टू ईयर्स अगो सलीम वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज हिज डॉटर तो टू ईयर्स अगो यानी कि दो साल पहले तो दो साल पहले यानी कि पीछे की बात हो रही है तो आज अगर सलीम थर्टी ईयर्स का है तो दो साल पहले कितने ईयर्स का होगा थर्टी का होगा और अगर आज उसकी डॉटर तो 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 कर रहे हैं कि वो दो साल पहले कितनी एज का होगा तो यहां हमने सब्ट्रैक्ट करके देख लिया तो यहाँ पर भी आपको सब करना है तो यहाँ पे टू ईयर्स अगो तो यहाँ पे एक्स माइनस टू हो जाएगा इक्वल कर दो वाई माइनस टू हो जाएगा हम इक्वेशन बना रहे सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर सलीम अपनी डॉटर से तीन गुना बड़ा है तो हम सलीम तो पहले से ही बड़ा है तो हम इसको डॉटर को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन क्या हो जाए इक्वल हो जाए ना उसको सॉल्व कर लेते तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी तो x माइनस टू इक्वल टू थ्री इंटू वाई थ्री वाई माइनस थ्री इंटू टू या आपका सिक्स हो गया तो थ्री वाई को उधर ले जाते हैं तो x माइनस थ्री वाई हो गया प्लस का थ्री वाई उधर गया तो ये माइनस सिक्स यहाँ पर है माइनस का टू इधर आके प्लस का टू हो गया तो यानी कि x माइनस थ्री वाई प्लस माइनस माइनस होता है सिक्स में से टू गया तो आपका फोर बचा और साइन आएगा आपका यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि सिक्स बड़ा तो ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई है वन ओके okay, फिर नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या दिया ही विल बी फोर ईयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज तो सिक्स ईयर्स लेटर यानी कि सिक्स साल के बाद छह साल के बाद सलीम कितने एज का हो जाएगा अगर अभी वो थर्टी का है, तो छह साल के बाद थर्टी प्लस सिक्स यानी कि थर्टी सिक्स ईयर्स का हो जाएगा तो सेम यहां पर भी जब फ्यूचर की बात हो रही तो हमें यहाँ पे उस एज को एड कर लेना है ओके okay, तो हमें भी इसी तरह से कंडीशन को लिख लेना है कि नाउ सेकंड कंडीशन हमारी है कि सिक्स इयर्स लेटर यानी छः साल के बाद तो यहां पर भी एक्स सलीम के अंदर भी सिक्स ऐड कर देंगे और उसकी डॉटर के अंदर भी सिक्स ऐड कर देंगे अब सलीम विल बी फोर इयर्स ओल्डर देन ट्वाइस ट्वाइसर एज यानी उसकी जितनी भी एज है उसका यहाँ पे उसकी डॉटर की जितनी भी एज है उसको ट्वाइस कर दो और उसमें यहाँ पे फोर को भी एड कर दो तब तो इतना वो वहां पे होगा ठीक है तो आपको यहाँ पे क्या कहा है कि सलीम अपनी डॉटर उसकी डॉटर के जितनी भी एज है उसका टू टाइम्स कर दो और उसमें फोर को भी एड कर दो तब उनकी एज यहां पे क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी तो ट्वाइस का है तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया फोर मोर का है तो यहाँ पे प्लस फोर हमने कर दिया तो अब इसको भी हम सॉल्व कर ले तो हमारी इक्वेशन बन जाए तो x प्लस सिक्स इक्वल टू तो टू तो इंटू वाई टू वाई टू इंटू सिक्स टू झा ट्वेल्व हो गया प्लस का फोर अगेन हम इक्वेशन बना ले तो ये एक्स प्लस का टू वाई उधर जगह माइनस का टू वाई हो गया तो ट्वेल्व प्लस फोर हो गया आपका 16, और माइनस का सिक्स हो गया तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी एक्स माइनस टू वाईक्वल टू तो टेन तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई पे टू अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है तो चाहे एलिमिनेशन मैथ से करो चाहे सब्सिट्यूशन से करो चाहे आप ग्राफ से करो किसी से भी कर सकते हो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव तो ये आपका हो गया यहाँ पे x माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस का फोर और x माइनस टू इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया, 10. तो कर क्योंकि x के कॉम्पिशन सेम है तो लेकिन इसका भी साइन प्लस है इसका भी साइन प्लस है तो ये एलिमिनेट नहीं होंगे तो हम साइन चेंज कर दिए माइनस हो जाएगा प्लस का माइनस होगा माइनस का प्लस होगा प्लस का यहां पे माइनस हो जाएगा x से एक्स कैंसिल हो गया प्लस माइनस माइनस होता है थ्री में से गया 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 तो only one तो 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 भी तो y to, तो y बचा लेकिन आएगा पे क्योंकि बड़ा है है होता आपका आ दोनों भी आएंगे ये ये से हो यानी यानी उसकी daughter की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है वो भी फोर्टीन ईयर्स की है नाउ ये y की वैल्यू को आप चाहे टू में पुट करो तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ टू में पुट कर देती हूँ तो वाई इक्वल टू फोर्टीन इन इक्वेशन नंबर टू तो ये हो गया x माइनस टू इन फोर्टीन इक्वल टू आपका हो गया टेन तो so, x माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पर टेन ओके तो माइनस का ट्वेंटी एट उधर डाला जाएगा तो टेन प्लस का ट्वेंटी एट हो गया तो so, इसका मतलब x यहाँ पे कितना आ गया थर्टी एट ईयर्स यानी कि x यानी कि उसकी एज थर्टी एट है और उसकी डॉटर की एज कितनी है फोर्टीन ईयर्स है तो हेंस सलीम एंड हिज आर 38 इयर्स एंड 14 इयर्स रेस्पेक्टिवली तो इस तरह से आपको फाइनल आंसर जरूर लिखना है इसका हाफ मार्क्स मिलता है आपको तो so, इस तरह का क्वेश्चन आपका थ्री मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है तो so, इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे एक एक स्टेप को लिखोगे तो आपके मार्क्स कहीं पर भी नहीं कटोगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ इज टू चिल्ड्रन तो ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में अगर आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पे एक फादर है और दो चिल्ड्रन है तो वो सोचते हैं हम क्या कितने वेरिएबल लेंगे क्योंकि तो उनको तो पता है कि हमें सिर्फ टू वेरिएबल तक सॉल्व करना आता है तो आप देखो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे जब भी इस तरह से थ्री वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा ना तो मोस्टली आपको फादर की एज ही निकालने के लिए बोला होगा तो यहाँ पे क्या कहा है द फादर की जो एज है वो अपने दोनों चिल्ड्रन की जितनी भी एज है उनके सम के इक्वल है तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन गई तो हम लेट यहाँ पे करते हैं कि फादर की एज x है और उसके दो चिल्ड्रन एक x एक हम यहाँ पे y ले लेते हैं और दूसरा हम z ले, ले लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ इज टू चिल्ड्रन यानी एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड का ट्वाइस हो जाएगा फ्टर ट्वेंटी ईयर्स हिस्स एज विल बीवल टू सम्रन तो ट्वेंटी ईयर्स के बाद अभी जितनी भी एज है उसके ट्वेंटी ईयर्स के बाद में फादर की जो एज होगी वो उसकी दोनों चिल्ड्रन की एज के सम के इक्वल हो जाएगी तो फाइंड द एज ऑफ द फादर तो हमें यहाँ पे सिर्फ फादर की एज फाइंड करनी है हमें चिल्ड्रन की एज यहाँ पे फाइंड नहीं करनी है ओके फाइंड करनी भी होगी तो भी हम इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे तो अब आप यहाँ पे देखो यही हम प्रेजेंट एज कमीशन लेट करते हैं कि लेट फादर आज के दिन एक्स ईयर्स का है उसके डॉटर्स जो है या उसकी जो भी उसके जो चिल्ड्रन है उसकी एजेस आज की एज में प्रेजेंट एज वाई एंड जेड ईयर्स है तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स इयर्स एंड हेज टू चिल्ड्रन बी वाई एंड जेड इयर्स तो ये हमने लेट कर लिया प्रेजेंट एज हमने लेट किया नाउ फर्स्ट कंडीशन इज द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन तो फादर की एज जो है वो उसके सन के यानी उनके चिल्ड्रन की जो भी एज है उनके सम का ट्वाइस है तो so, ये हमने ये ट्वाइस है बट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उसका फादर क्या है दोनों चिल्ड्रन की एज को सम कर दो और उसका टू टाइम्स है तो हमने इसको इक्वेशन बना लिया तो ये इक्वेशन हम वन ले लेते हैं नाउ सेकेंड कंडीशन इज सेकेंड कंडीशन क्या था आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स तो आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स फादर्स एज कितनी हो जाएगी

प्लस ये हो जाएगा आपका तो तो ले तो का ट्वेंटी हो गया तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा एक ट्वेंटी से एक ट्वेंटी कैंसिल हो गया तो ये हो गया वाई प्लस जेड प्लस आपका यहाँ पे हो गया ट्वेंटी तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई टू तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है फादर की एज फाइंड करना है तो इसका मतलब हमें y plus Z को एलिमिनेट करना है तो चाहे तो यहां से y प्लस जेड की वैल्यू निकाल के यहां रख दो या फिर आप यहां से क्या करो यहां से y प्लस जेड की वैल्यू निकाल के यहां रख दो। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो तो मैं यहां से लेकर आ जाती हूँ वैल्यू या फिर आप यहां से कर सकते हो आपको लग रहा है कि नहीं फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो आप किधर से भी इसको सोल्व कर सकते हो देखो मैं यहां से अगर वैल्यू निकालते हो तो x प्लस का 20 उधर चला गया तो ये माइनस का 20 हो गया इक्वल टू आपका y प्लस z हो गया तो ये यहां से हम y प्लस z की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो यहां से हो गया पुटिंग y प्लस z x 20 इन इक्वेशन नंबर वन तो ये हो गया x इक्वल 2 आपका पहले से और y प्लस z की जगह हमने x 20 रख दिया तो ये हो गया x 2x 20 2 हो गया 40 तो अब माइनस फोर्टी को तो ले ले रहे हैं ये प्लस का फोर्टी हो गया और ये टू एक्स प्लस का एक्स इधर आ गया तो ये हो गया माइनस का एक्स तो टू एक्स में से एक एक्स चला गया तो ये आपका यहाँ पे हो गया एक्स एक्स इक्वल टू आपका कितना आ गया फोर्टी आ गया यानी फादर की एज कितनी है फोर्टी ईयर्स है अब अगर आपको दोनों चिल्ड्रन की भी फाइंड करनी तो अभी इक्वेशन में एक्स की जगह फोर्टी रख दो ये टू वेरिएबल में हो जाएगी और वाई और जेड की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी बट अभी इस क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ फादर की एज फाइंड करनी है तो फाइनल आंसर हमेशा लिखना है हैंड्स द फादर्स प्रेजेंट एज इज फोर्टी ईयर्स ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर टू नंबर्स आर यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है कि दो नंबर है उनका रेशियो फाइव इज टू सिक्स है अगर हम उन दोनों नंबर में से एट को सब्ट्रैक्ट कर देते तो रेशियो फोर इज टू फाइव हो जाता है तो फाइंड द नंबर्स तो जो हमें यहाँ पे फाइन uh, करना है वही हम यहां पे लेट कर लेते हैं तो लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई तो वो दो नंबर हमारे क्या है एक हमने एक्स ले लिया एक वाई ले लिया नाउ फर्स्ट कंडीशन इज कि दोनों नंबर का जो रेशियो है वो फाइव इज टू सिक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया दैट इज x रेशियो y जो है वो आपका फाइव रेशियो सिक्स हो गया तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई इक्वल टू फाइव अपॉन आपका सिक्स हो गया तो अब हमें जैसे जरूरत होगी वैसे हम चेंज कर लेंगे अभी हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई फिर नाउ सेकंड कंडीशन आपको यहां पे क्या दिया हुआ है सेकंड कंडीशन इज क्या दिया हुआ है इफ एट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम्स फोर टू फाइव तो हम यहाँ से भी न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी दोनों से एट को सब्ट्रैक करेंगे तो एक्स माइनस एट अपॉन वाई माइनस एट इक्वल टू रेशियो आपका हो गया फोर ओवर फाइव हो गया तो so, हमें इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया फाइव इधर चला गया तो फाइव इंटू एक्स माइनस एट हो गया फोर इंटू वाई फोर वाई हो गया प्लस माइनस माइनस तो ये हो, 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 तो हो गया आपका यहाँ पे थर्टी टू तो हमारी इक्वेशन यहाँ से बन रही है वेरिएबल इधर ले आते हैं तो फाइव एक्स प्लस का वाई इधर आके माइनस का फोर वाई हो गया और प्लस माइनस का फोर्टी आके प्लस का फोर्टी हो गया माइनस का थर्टी टू तो इक्वेशन हो गई आपकी फाइव एक्स माइनस फोर वाईल टू फोर्टी माइनस थर्टी टू तो ये हो गया आपका इक्वेशन ये एट हो गया ठीक है अब चाहो तो आप इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो बट अगर आपको एलिमिनेशन मैथड से करना है तो ये देखो तो सिक्स एक्स होगा ये फाइव वाई हो जाएगा तो ये यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा तो क्योंकि अलग अलग इक्वेशन बन रही फिर हमें यहाँ पे लेंदी हो जाएगा कि हमें पहले एक कॉफिशन को, को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन के वेरिएबल इक्वल करने पड़ेंगे तो मैं यहाँ पे इजिली क्या कर लेती हूँ सब्सिट्यूशन

x इक्वल टू फाइव वाई अपॉन सिक्स इन इक्वेशन नंबर सेकेंड तो ये हो गया की जगह रखा तो ये आपका यहाँ पे हो गया ट्वेंटी फाइव वाई अपॉन सिक्स माइनस फोर वाईल टू एट हो गया तो नाउ यहाँ पे हम एल्सियम ले लेते हैं सिक्स और वन का एल्शियम आपका यहाँ पे सिक्स हो गया सिक्स के टेबल में सिक्स आएगा वन टाइम तो ये ऊपर वन से मल्टीप्लाई होकर यही रह जाएगा वन के टेबल में सिक्स आएगा सिक्स टाइम तो ऊपर सिक्स से मल्टीप्लाई के ये ट्वेंटी फोर वाई हो गया और ये एट हो गया अभी सिक्स को हम उधर ले जाते हैं तो ये हो गया ट्वेंटी फोर वाई आपका यहाँ पे चला गया तो ये आपका यहाँ पे कितना बच गया ओनली वाई ट्वेंटी फोर वन ही तो होता है वन वाई बच गया और ये हो गया फोर्टी एट तो ये आपका वाई इक्वल टू यहाँ पे आ गया फोर्टी एट वाई टू फोर्टी एट यहाँ रख दो तो नाउ वाई इक्वल टू फोर्टी एट एन x इक्वल टू फाइव y अपॉन सिक्स में तो यहाँ पुट करो तो x इक्वल टू फाइव एन टू एट अपॉन सिक्स तो ये यह यहां से कट जाएगा एट टाइम तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया यहाँ पे फोर्टी आ गया यानी कि वो नंबर्स आपके कौन कौन से हैं वो नंबर्स आपके 48 एट एंड फोर्टी So hence the required numbers are and so, तो 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 द रिक्वायर्ड आर एंड ठीक है इस तरह के क्वेश्चन भी आपके कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं जब आपका पेपर सिंपल आता है ना तो इस तरह के क्वेश्चन वहां पे आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देयर आर सम स्टूडेंट्स इन टू एग्जामिनेशन हॉल ए एंड बी तो ये एग्जामिनेशन हॉल है आपका यहाँ पे ए और ये एक एग्जामिनेशन हॉल है यहाँ पे बी टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल टेन स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम ए टू बी तो यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे ए से टेन स्टूडेंट को बी में भेज दिया क्यों भेजा क्योंकि हमें दोनों रूम में स्टूडेंट्स की संख्या बराबर करनी थी यानी कि इसका मतलब क्या हुआ ए में ज़्यादा है बी में कम है तो बी बैलेंस करने के लिए ए में जितने ज़्यादा थे वो बी में भेज दिए ठीक है फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ से हो गई तो यहाँ तक कर ले फिर आगे वाली इक्वेशन को पढ़ते ठीक है फिर हमें Uh, जो लेट करना वो देखते पहले बट इफ ट्वेंटी स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम बी टू ए अब से तो फर्स्ट कंडीशन कि हमने ए में से बी में टेन स्टूडेंट भेजे तो इक्वेशन वहां पे इक्वल हो फिर दूसरे पे क्या कहा कि अगर आपने बी से 20 इधर भेज दिए बी से 20 स्टूडेंट को क्या कर दिया ए में भेज दिया द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी तो यहां से अगर मैं 20 स्टूडेंट ए में भेज दिए तो बी में जितने भी स्टूडेंट है उसके डबल ए में हो जाएंगे फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द टू हॉल्स अब आपको बताना है की इन दोनों हॉल में कितने स्टूडेंट है इसमें कितने स्टूडेंट है और इसमें कितने स्टूडेंट है तो हम लेट करते हैं कि ए में आपके यहाँ पे एक्स स्टूडेंट है और बी में आपके यहाँ पे वाई स्टूडेंट है लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल ए एंड बी आर तो हॉल ए में हॉल बी में टू बी तो अभी ए के अंदर एक्स स्टूडेंट है अभी बी के अंदर वाई स्टूडेंट है तो so, क्या किया ए ने अपने टेन स्टूडेंट को इधर भेज दिया तो so, इसके अंदर से तो टेन कम हो जाएंगे और इसके अंदर टेन यहाँ पे क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे यही होगा तो पर यहाँ पे क्या रहेंगे यहाँ 10 ज्यादा थे 10 तो कम थे तो इधर से इधर ट्रांसफर कर दिए अब दोनों हॉल में स्टूडेंट्स क्या हो गए इक्वल हो गए अब इसको एक प्रॉपर इक्वेशन बना ले एक्स प्लस का वाई इधर गया तो माइनस का वाई हो गया ये टेन माइनस का टेन इधर आके प्लस का टेन हो गया एक्स माइनस वाईक्वल टू आपका ट्वेंटी हो गया दिस इज इक्वेशन नंबर हो गया नाउ कंडीशन तो इफ ट्वेंटी स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम b टू a अगर b से a में अगर आपने यहाँ पे भेज दिए तो b में अभी कितने थे b में अभी अभी जो नॉर्मल हम लेके चल रहे हैं इसमें x है और इसमें y है तो b ने अपने ट्वेंटी स्टूडेंट भेज दिए तो अब यहाँ पे y माइनस ट्वेंटी हो गया यहाँ y प्लस आपके यहाँ पे क्या हो गया ट्वेंटी हो गया तो अब किसके पास डबल हुए हैं तो यहाँ पे लिखा स्टूडेंट इन ए बिकम्स डबल द स्टूडेंट इन बी ओके तो ए के अंदर आपके डबल हो गए हैं। तो हम बैलेंस इक्वल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे टू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इधर नहीं करेंगे इधर तो वैसे ही ज्यादा हो गए देखो इक्वेशन जब हम शुरू में क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो इसमें एक्स लिए इसमें वाई लिए लेकिन इन्होंने बैलेंस करने के लिए दस इधर ज्यादा थे तो इधर भेज दिए तो यानी कि ए के पास पहले से ज्यादा है अब उसको बीस और दे दिए तो उसके पास तो और ज्यादा हो गए तो यानी कि ये डबल हो चुका है ट्वेंटी स्टूडेंट जैसे इधर भेज दिए ए रूम के अंदर इससे डबल हो चुके हैं लेकिन हम इक्वेशन को हमेशा इक्वल फॉर्म में बनाते हैं तो जो डबल हुआ है उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जिसने दिया है या जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई करें ताकि इक्वेशन आपकी यहाँ पे क्या हो जाए बैलेंस हो जाए तो आप यहाँ पे क्या करोगे ये इधर चले गए स्टूडेंट तो एक्स प्लस ट्वेंटी हो गए इधर से स्टूडेंट गए तो ये वाई माइनस ट्वेंटी हो गए जैसे कि स्टूडेंट इधर गए ये डबल हो गया लेकिन हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स प्लस इक्वल टू टू वाई फिर प्लस माइनस माइनस टू इन ट्वेंटी तो ये आपका यहाँ पे हो गया फोर्टी ठीक है अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं प्लस का टू वाई इधर आ गया माइनस का टू वाई हो गया प्लस का ट्वेंटी इधर आ गया तो ये आपका माइनस का ट्वेंटी हो गया तो यानी कि एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस का सिक्सटी हो गया माइनस माइनस प्लस होता है और साइन भी नेगेटिव आता है तो ये हो गया सेकंड अब इसको सॉल्व करें एक्स के कॉफिशन सेम है तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव तो ये हो गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू ट्वेंटी एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस का सिक्सटी तो ये ये प्लस का है ये प्लस का है एलिमिनेट नहीं हो रहा है इसीलिए हमें साइन चेंज करना है तो ये हो गया कैंसिल तो माइनस का हो गया प्लस माइनस का हो गया प्लस तो माइनस प्लस माइनस होता है टू वाई में से वन वाई गया तो वाई बचा और टू बड़ा है इसलिए साइन आएगा पे सिक्सटी प्लस ट्वेंटी प्लस, प्लस, तो हो गया एटी यानी कि वाई आपका यहां से कितना आ गया एटी आ गया अब वाई को या तो फर्स्ट में पुट कर लो या सेकेंड में तो हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं पुटिंग वाई इक्वल टू एटी इन इक्वेशन नंबर वन तो ये हो गया x माइनस एटी इक्वल टू ट्वेंटी तो x इक्वल टू आपका यहाँ से कितना हो गया ट्वेंटी माइनस का एटी इधर आके प्लस का एटी हो गया तो x इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया हंड्रेड ठीक है तो ये हो गया यहाँ पे दोनों वैल्यू तो अब यहाँ पे देखो ए के ए हॉल में हंड्रेड स्टूडेंट है वाई में कितने हैं एटी इसमें से इधर टेन चले गए तो यहाँ भी नाइन्टी हो गए यहाँ भी नाइन्टी गए अगर ये अपने ट्वेंटी इधर दे देखता है तो यहाँ सिक्सटी हो जाते हैं या वन ट्वेंटी होते हैं यानी इसके पास डबल हो गए तो इसके पास डबल हो गए तो हम इसको थोड़े ना मल्टीप्लाई करेंगे इसको करेंगे तभी तो इक्वल होगी इक्वेशन तो हैंड्स हंड्रेड स्टूडेंट्स आर देयर इन हॉल ए एंड एटी स्टूडेंट्स आर इन हॉल बी ओके okay? तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल लॉजिकली हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया आप अगर आपको ये इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आती है और आपको इसमें अपने माइंड से इक्वेशन बनाओ और फाइनल आंसर लेकर आओ अब आपको यहाँ डाउट है क्या ये आंसर सही है या गलत है तो इन जो भी आपने इक्वेशन बनाई है ना उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देखो अगर वो बैलेंस करिए लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा दैट मीन सही है तो एक्स इक्वल टू हंड्रेड है और वाई इक्वल टू एटी है तो हंड्रेड माइनस एटी इंटू टू कितना हो गया आपका यहाँ पे वन सिक्सटी हो गया तो हंड्रेड माइनस वन सिक्सटी माइनस सिक्सटी होता है और यहाँ तो ये देखो 100 60 आप 100 80 आपको 20 होता है तो ये बैलेंस कर ये, लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है दैट मींस कि मेरी जो इक्वेशन बनी है वो बिल्कुल सही बनी है तो आई होप आपको इस वीडियो में हमने आई uh, थिंक तीन क्वेश्चन सॉल्व किए तीन या चार क्वेश्चन सॉल्व किए और चारों आपको अच्छे से समझ में आए थैंक यू